जैसे आपने टाइटल में देखा रहेगा कि मैंने टाइटल में लिखा है इम्पोर्टेंट ब्लेंडिंग टूल्स फॉर ग्राफाइट चारकोल, जो भी रहेगा उसके लिए जो ब्लेंडिंग टूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, और ये वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि कौन से ब्लेंडिंग टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। ब्लेंडिंग टूल्स मतलब ये ब्लेंडिंग टूल्स काम क्या करते हैं, तो ब्लेंडिंग टूल्स का बेसिकली एक काम रहता है, जो भी ग्राफाइट है या फिर चारकोल है जो हम लोग के पेपर में हम लोग ने शेड किया है उसको ब्लेंड करना। ब्लेंड करना मतलब उसको और उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ करना। तो स्केचिंग के लिए अलग अलग ब्लेंडिंग टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि हो गया ब्रशेस, टिश्यू पेपर्स, फिर कॉटन बोर्ड्स हो गए। अभी जिनके पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स नहीं रहते, अभी पहले 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 जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी तब मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स नहीं थे, ना कि जो ब्लेंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं जो मेकअप ब्रशेस यूज किए जाते हैं वो भी नहीं थे मेरे पास। तो मैं सिर्फ दो चीजों से, इनफैक्ट तीन चीजों से सिर्फ ब्लेंडिंग करता था। एक तो कॉटन बड्स, फिर बाद में मैं यूज करता था कॉटन, जो कॉटन आता है वो बस, और टिश्यू यूज करता था, और ब्रश भी यूज करता था जो वाटर कलर ब्रश रहता है वो भी मैं यूज करता था। बेसिकली अभी फैक्ट क्या रहता है, जब मैं धीरे धीरे स्केचिंग के मतलब स्केचिंग में धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया जैसे, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो ब्लेंडिंग टूल्स है, जैसे अभी हो गया ब्लेंडिंग स्टम्प हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, वो सबका काम तो एक ही रहता है, ब्लेंड करना, टेक्सचर को स्मूथ करना, पर उसके यूजेस अलग अलग पार्ट्स पे यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ब्रश को हम लोग बार बार हम लोग स्किन टेक्सचर के लिए यूज नहीं कर सकते, जो लार्ज एरियाज रहते हैं उसके लिए हम लोग ब्रश तो यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं। तो ये बहुत चीजें मैं ये वीडियो में कवर करूंगा और आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने चार सर्कल्स बनाए लेफ्ट साइड पे, और इस वीडियो में मैं चार ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करने वाला हूँ। पहला है मेकअप ब्रश, सेकंड है एक ब्लेंडिंग स्टम्प, थर्ड है एक कॉटन बड जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, और फोर्थ है एक कॉमन टिश्यू पेपर, ये भी इजीली अवेलेबल हो ही जाता है। सो गाइस, और शेडिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 2B ग्राफाइट पेंसिल आर्ट लाइन की, और अभी हम लोग इधर शेड कर लेते हैं जो सर्कल से उसके पास एक पार्ट पे हम लोग शेड कर लेंगे। सो गाइस, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि मैंने आर्ट लाइन के 2B पेंसिल से पूरा एरिया शेड कर लिया है सर्कल का लेफ्ट साइड। तो पहले मैं यूज़ करूँगा एक मेकअप ब्रश ब्लेंड करने के लिए, और मैं और एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप वाटर कलर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, और इस मेकअप ब्रश के साथ भी और एक ब्रश आता है पैक में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रहता है और सामने उसका फोम टाइप्स रहता है, वो फोम रहता है आगे। तो अभी हम लोग ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी मैं इधर मार्किंग्स कर लेता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो मैंने मार्किंग्स कर लिए सारे। अभी मेकअप ब्रश के साइड पे हम लोग उसको ब्लेंड कर लेते हैं मेकअप ब्रश से। मेकअप ब्रश नॉर्मली जो शेडिंग रहती है उसको और स्मूथ कर देता है, फिर सॉफ्ट शेडिंग कर देता है उसको, और ये नॉर्मली स्मॉल पार्ट्स में यूज़ करना चाहिए। और कभी भी यूज़ करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना ब्रश ठीक से टिश्यू पेपर पे क्लीन कर रहे हो, या मतलब जितना भी उस पर ग्राफाइट लगा है वो पूरा आप क्लीन कर रहे हो फिर बाद में ही उसको यूज़ कर रहे हो, नहीं तो जो ब्रश पे ग्राफाइट रहता है उससे जितनी भी ब्लेंडिंग रहती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। और नॉर्मली ब्रश को तो हम लोग स्मॉल पार्ट्स या फिर हेयर पे यूज़ करते हैं हेयर को ब्लेंड करने के लिए। अभी आता है कि ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन करने का ट्यूटोरियल भी मैंने मेरे चैनल पे दिया है, अगर आपको वो देखना है तो ये जो आई बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपको देखना है कि ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन कैसे करते हैं। तो मैंने अभी ब्लेंडिंग स्टम्प को अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो अभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ब्लेंड करके देख लेते हैं कि उससे एग्जैक्टली ब्लेंड कैसे हो पा रहा है। अभी ब्लेंडिंग स्टम्प से एक स्मज रिजल्ट आता है, और ये थोड़ा सा हार्ड रहता है कंट्रोल करने के लिए, और ये भी
भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेफाइट को अपने ऊपर अब्जॉर्ब नहीं कर लेता, मतलब स्टिक नहीं होता इस पर ज़्यादा ग्रेफाइट, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन रख रहे हो, फिर ही आपको ऐसा रिजल्ट आएगा 2B पेंसिल के शेड के लिए। ये मैं बेसिकली 2B पेंसिल से दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग आते हैं कॉटन बर्ड पे। कॉटन बर्ड अभी ये बहुत छोटा रहता है तो ये स्मॉलर एरियाज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी स्मूथ शेडिंग दे देता है। अगर ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप कॉटन बर्ड से भी ब्लेंडिंग स्टम्प्स का काम करवा सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कॉटन बर्ड से ब्लेंड करने के बाद कैसा इफेक्ट आया उसका। अभी आता है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर बेसिकली, जैसे आपको मालूम है टिश्यू पेपर बहुत लार्ज होता है, तो वो कॉमनली जो लार्जर एरियाज रहते हैं उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे अभी आप A3 साइज़ का पोर्ट्रेट बना रहे हो या फिर A4 साइज़ का पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो उसका जो स्किन का टेक्सचर रहेगा उसके लिए आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो लार्जर एरियाज के लिए। तो टिश्यू पेपर का बेसिकली वो काम रहता है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उस टिश्यू पेपर ने भी काफ़ी अच्छा किया है। पर टिश्यू पेपर का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो ग्रेफाइट को थोड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। तो गाइज ये थे कुछ ब्लेंडिंग के टूल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मेकअप ब्रश, ब्लेंडिंग स्टम्प, कॉटन बर्ड और टिश्यू पेपर। तो कॉटन बर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसिक कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। और जैसे मैंने आपको बोला था मेकअप ब्रश नहीं है आपके पास तो वाटर कलर ब्रश या फिर ये जो फोम का, जो उसकी आगे का फोम का रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको जो भी मेरे नए नए वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स आते हैं उनका नोटिफिकेशंस मिले। तो और क्या, और बाकी तो आप कमेंट्स तो कर ही देते हो। तो कीप सपोर्टिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।